आज आपकी स्कूल में जो एक बर्थडे मनाया गया है इन बच्चों को लेकर, तो आज इस बर्थडे मनाने का खास वजह क्या है? आज जो है डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल खातरी जी का बर्थडे है। इन्होंने इन्होंने मिन्हाज वेलफेयर फाउंडेशन को स्टार्टअप किया है। ये जो फाउंडेशन है 93 कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड में है, और इंडिया में आके मिन्हाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन के नाम पे जाना जाता है। ये जो आप स्कूल देख रहे हैं, इसका सेटअप और सब चीज़ है ना, मिन्हाज इंटरफेथ वेलफेयर फाउंडेशन के तरफ से ही है। इसीलिए हमारे तरफ से एक स्मॉल फंक्शन करके उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं। और कितने स्कूल्स हैं ऐसे मिन्हाज के जो इंडिया में? 93 कंट्रीज में है सर, 93 थ्री कंट्रीज कंट्रीज में में मिन्हाज है सर। तो ऐसे डिजेबल्ड बच्चों के ही हैं क्या? नहीं सर, वो सोशल एक्टिविटीज में है, जी फ्लड रिलीफ या दूसरे फूड फूड किट्स और जी जी दूसरे जो जो भी सोशल एक्टिविटीज है उसमें होके हैं। जी इंडिया में ये पहला डिसेबल स्कूल है मिन्हाज के तरफ से। पहला स्कूल है क्या जी इंडिया में? जी तो मैसूर की ये शान है। यस सर। जी। तो क्या ये पूरे 93 कंट्रीज में भी जो भी जहाँ भी इनके जो फॉलोअर्स हैं वहाँ पे जो है आज ये खुशी का माहौल यस है? सर, डेफिनेटली बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है हर जगह। हमारे स्कूल की तरफ से एक छोटा कंट्रीब्यूशन है उनके बर्थडे के लिए सर। तो इन्होंने कभी यहाँ पे विजिट किया है? स्कूल स्टार्ट होने के बाद नहीं सर, उससे पहले आके हैं। जी ये एक्चुअली कनाडा में रहते हैं, जी तो वहाँ से सब मैनेज होता है अच्छा। सर। कभी इंडिया यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आने का प्रोग्राम कर सकती हैं यस क्या? सर, डेफिनेटली सर करेंगे। आएंगे यस सर। आपकी स्कूल में कितने बच्चे हैं? अराउंड 35 बच्चे हैं सर, 35। और रोज है ना फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है, साथ में योगा थेरेपी सब होता है सर यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है या कोई इसमें जात पात का भेदभाव ऐसा कुछ नहीं है? सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी वेलकम ऑल द कास्ट, रिलीजन, क्रीड, रेस, एनीथिंग हम वेलकम करते सर। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे अराउंड हाफ के ऊपर हिंदू बच्चे ही है, तो उसका यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है सर, सब ये बच्चों को इक्वली हम देखते हैं। मैसूर के किन किन एरिया से जो है ये बच्चे यहाँ पे आते हैं? राजीव नगर है, गौसिया नगर है, कल्याणगिरी, भारत नगर, नायडू नगर, यहाँ से आते हैं सर। तो यहाँ पे इन लोगों के लिए कुछ फीस वगैरह भरना पड़ता है नहीं या नहीं नहीं सर, संस्था जो है उसकी देखभाल करती नहीं है? सर, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम लोग कुछ भी चार्जेस नहीं करते हैं, तो सब कुछ फ्री है सर यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्ची ये कितने साल पहले खुली मैम? ये 1 ईयर 4 मंथ्स होके है सर, लास्ट जी अगस्त में खुल के है ये, जी तब से हम लोग एक पांच बच्चे थे तभी, अभी माशाल्लाह 35 होके है, और भी 10 बच्चों को हम लोग यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते जी अब हैं। एक एक साल 4 महीने की जो आपकी जो कोशिश रही है, जी इन सर, 1 साल 4 महीनों में जो भी बच्चे यहाँ पे आपके पास एडमिशन लिए हैं जी तो सर, उनमें कुछ सुधार आया है? यस सर, बहुत सारे बच्चे बहुत इम्प्रूवमेंट होके हैं। हम लोग ईच बच्चों को हम लोग इंडिविजुअल लेसन प्लान बना के हैं, उसके हिसाब से ही यहाँ पे स्कूल चलता है। और यहाँ पे मेनली हमें 3 टाइप डिवाइड करके हैं। पहला के अर्ली इंटरवेंशन बोल के, जहाँ 7 ईयर्स के कम बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, उसके साथ में पेरेंट्स टीचर्स ट्रेनिंग बोल के रहता है, क्योंकि छोटे बच्चों को कैसा हैंडल करना पेरेंट्स को भी पता नहीं रहता है, तो टीचर क्या करते हैं पेरेंट्स के साथ मिलके बच्चों को सिखाते हैं, वो एक ग्रुप है। सेकेंड ग्रुप आके अकेडमिक्स ग्रुप रहते हैं, जैसे ए से बच्चे जो बाकी सब करते हैं मगर अकेडमिक्स में बहुत पूर रहते हैं, तो उनका सिखाने का तरीका बहुत अलग रहता है, तो उसके वास्ते ही स्पेशल एजुकेटर्स होना ज़रूरी होता है। तो उन्होंने यही से एकेडमिक ग्रुप बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम बना के उसमें इनको सिखाते हैं। थर्ड ग्रुप आके वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रुप रहते हैं, जो बहुत एज रहते हैं 18 ईयर्स अबो, जिनको एकेडमिक्स वगैरह बहुत कम ये होता है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग रहता है। वहाँ पे हम लोग मेनली उनका पेपर बैग मेकिंग, कारपेट मेकिंग ऐसे में कोशिश कर रहे हैं। और मेरा और एक गोल है कि ऐसे बड़े जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होना बहुत ज़रूरी होता है, जो इंडिपेंडेंट होना है, तो नहीं उसके नहीं वास्ते कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले साल तक खाना इसके लिए पीना भी छोड़ कुछ ना कुछ करेंगे, होप करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू।